साल में दो बार होने वाले एग्जाम की जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीसी गुरुकुल पे। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट को लेकर। जैसा आप जानते हैं, कल शाम के समय नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत सारी वीडियो से पूरा जो है यूट्यूब वो भरा पड़ा है। लेकिन आज हम आपके साथ, आपको हमारी वीडियो क्यों देखनी चाहिए, अंत तक क्यों बने रहना चाहिए, आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। मैं यहाँ पर पीछे आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये हमने नोटिफिकेशन जो है उसका डाउनलोड किया है यहाँ से, और हम देख पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है सीटेट जनवरी को लेकर के। आपको मालूम है, आप में से बहुत सारे साथियों को ये जानकारी है कि सीटेट जो है वो वर्ष में दो बार होता है, एक बार जनवरी के नाम से, एक बार जुलाई के नाम से। जुलाई के नाम से हो चुका है, जनवरी का जो है ये नोटिफिकेशन आ गया 2024 के लिए। इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हैं, देखते चलें ज़रा। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे पहले सर जी फार्म कब भरेंगे? ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात अगर आप करते हैं तो ये 3 नवंबर को शुरुआत हो रही है और ये 23 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं अपना। अगली बात, लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है सर हमारे पास 23 नवंबर लास्ट डेट है, और ये 11:59 यानी कि रात को 12 बजे तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है जी, उसके आगे चलते हैं। फीस की बात अगर हम कर लेते हैं, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फी वो भी 23 तारीख रहेगी, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो बहुत ज़रूरी है आपकी प्लानिंग के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको रण क्षेत्र को पहचानना होगा, उसके बाद जो कोर्स है उसको समझना होगा, साथ ही साथ अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत आपको पड़ेगी, और ये पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा। बहुत कोई टफ एग्ज़ाम है नहीं, एनपीसी गुरुकुल जहाँ आपके साथ हो तो वैसे भी टफ नहीं बचा। तो ये ठीक है जी, तो ये 21 जनवरी 2024 को ये परीक्षा होनी है। आगे हम चलते हैं ज़रा, इससे रिलेटेड सारी बात करेंगे इस वीडियो में। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये पूरी जो है जानकारियाँ दे रखी है, 3 नवंबर से शुरू हो रहा है और 23 नवंबर तक चलेगा, 21 जनवरी 2024 को ये क्या है, परीक्षा होगी। अब उसके अलावा यहाँ पर पूरा हमने डाउनलोड किया है, कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। जैसे हमारे पास ये, अब ये आ गई पैसों की बात, जो मेरी तरह थोड़े से ज़रा आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो यहाँ पे देखेंगे ज़रा। यहाँ जनरल और ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए पेपर 1 और 2, सिर्फ एक पेपर के लिए 1000 रुपया है, और दोनों पेपर के लिए कितना हो गया सर, 1200 रुपये हो गया। दोनों पेपर के लिए फ़ीस कितनी, 1200 देनी है। और जो एससी एसटी हैं या हमारे जो डिफरेंट एबल्ड हैं यानी कि थोड़े से, उनको क्या करेंगे हम, 500 और 600 रुपये उनका, अगर एक पेपर देंगे 500 रुपये, दो पेपर देंगे तो 600 रुपये उनका फ़ीस रहेगा। ठीक है जी, पूरी जानकारी मिलेगी, आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए, ताकि उसके बाद आप अपना फार्म भरें। आगे हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ कुछ काम का इतना ज़्यादा मिलता नहीं, इसकी बात आप कर लीजिए यहाँ पर आकर के। यहाँ उन्होंने कहा डिस्क्रिप्शन थोड़ा कह दिया है, बैकग्राउंड वगैरह कैसा रहेगा आपका, फ़ोटो वोटो का, ये बात उन्होंने कही है, जो कि ज़्यादा वो है नहीं। आप किसी भी कैफ़े पर जाके भरवाएंगे नॉर्मल तो आपका भर जाएगा, आप भी भर सकते हैं, अपनी तरफ से आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो हमारे काम की बात है सर, वो ये आ गई 21 तारीख को डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या हो गया सर, 21 तारीख हो गई है, 21 जनवरी आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। दिन जो होगा वो संडे होगा, संडे होगा। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, देख के समझ में आ जाती हैं। एक दिन में अगर परीक्षा हो रही है तो सर आपके सवाल का जवाब है, सर मोड कैसा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? एक दिन में परीक्षा कराने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही करा सकते हैं, ऑनलाइन नहीं करा सकते हैं। अभी हम लाखों बच्चा फॉर्म यहाँ पे डाल रहा है और यहाँ पर इतनी व्यवस्था जो है अभी हमारे पास नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम को एक ही दिन में कंडक्ट किया जा सके, तो आप ऑफलाइन मोड में इसको देने वाले हैं। और संडे आपके पास है जैसा, और 21 जो है जनवरी हमारा यहाँ पे डेट रहेगी। टाइमिंग की बात अगर करते हैं तो ये पेपर फर्स्ट के लिए इन्होंने कुछ ऊपर नीचे दे रखा है, आई होप कि पेपर सेकंड जो है यहाँ पर 9:30 से 12 बजे तक रहेगा, और उसके बाद 2 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। ये हमें कंफर्म करने की कोशिश करनी होगी, अगर ये दोबारा से चेंजिंग आई है तो फिर सेकंड पहले है और पहला जो है बाद में है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग, अगली बात करें, ये हमारे पास जानकारी है, इसमें कोई काम की बात नहीं। जो काम की बात है सर वही आपके साथ करेंगे, समय आपका ज़ाया नहीं करेंगे, ये बिल्कुल काम की बात है। कह रहे हैं सर जी इस परीक्षा में आता क्या क्या है, हमें तो कुछ नहीं पता है, इस परीक्षा में बताइए क्या आता है। तो एक आएगी आपकी CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, और यहाँ पर जो कि कंपलसरी है, इसमें आपको छोड़ छाड़ नहीं सकते हैं, कोई भी चॉइस आपको नहीं मिल रही है। तो 30 नंबर की आ गई, 30 नंबर यहाँ पर हो गए, 30 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का यहाँ पर आपके पास होगा। अगली बात जो आप कर रहे हैं मेरे साथ वो है Language 1 और Language 2, ये दोनों कंपलसरी हो गए, यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास 30-30 नंबर की दो लैंग्वेज आ गई। अब लैंग्वेज का खेल जरा ध्यान से समझ लीजिए, आप में से बहुत सारे भाई हमारे यहाँ लैंग्वेज में गड़बड़ी करके अपना गेम पहले ही हार चुके होते हैं। देखिए मैं आपसे पहले भी कहा था वीडियो की शुरुआत में ही, पहले रण क्षेत्र को पहचानिए, पहचानिए आपका दुश्मन कौन है, आपका सिलेबस कितना है, तब जाकर के आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी, अन्यथा बहुत सारा गेम तो वहीं हार जाएंगे। अब देखिए कैसे, दो लैंग्वेज हैं आपके पास, Language 1 और Language 2। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, भाषा में पहले में चयनित कर लेंगे सर इंग्लिश, लो हो गया खेल खत्म,
आधा गेम यहीं पे हार गए, 4-6 नंबर यहीं गवा देंगे। देखिए पहली जो लैंग्वेज हमारी भाषा जो पहली आती है वो थोड़ी सी मुश्किल आती है। अब मुश्किल भाषा और साथ ही साथ यहाँ क्या आती है भाई, पोइट्री आती है। इंग्लिश में पोइट्री कह दो और हिंदी में क्या कह दो, पद कह दो। तो यहाँ पे पद आते हैं, गद्य पद होते हैं आप जानते हैं। तो अगर इंग्लिश की पोइट्री अगर आपके पास आ जाए तो बहुत सारे इंग्लिश पढ़ने वाले भी हमारे इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे भाई होंगे जो इसको, भाई और बहन यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे, उनको लगता होगा अरे हम तो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं, इंग्लिश तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। सर जी पोइट्री बड़े बड़े अच्छों से सॉल्व नहीं होती है, लैंग्वेज बन रिलेटिवली थोड़ी सी टफ रहती है, मुश्किल। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा पर्सनल, ऐसा बहुत सारे डेटा एनालिसिस के बेस पर हम आपको ये बात बता रहे हैं कि इंग्लिश यहाँ पर ना लेकर के आप चूज करिए हिंदी। अगर आप हिंदी बोलते समझते हैं थोड़ी बहुत भी तो आप हिंदी यहाँ पर ले लीजिए ताकि आसानी से बात बन जाए, और लैंग्वेज टू में आप इंग्लिश वगैरह ले सकते हैं। जिन लोगों को लगता है भाई मेरा संस्कृत बहुत अच्छा मजबूत है तो वो यहाँ पे संस्कृत चूज कर ले, ठीक। तो हिंदी इंग्लिश अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो साथी हैं वो ऐसे ही लेते हैं, तो हिंदी इंग्लिश में आप ध्यान दें कि हिंदी को पहला बनाइए और इंग्लिश को दूसरा बनाइए। ये गेम जीतने के लिए पहली स्ट्रेटेजी, पहली रणनीति आपके साथ हो गई, ठीक। आगे चलेंगे मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल साइंस मिला करके 60 नंबर हो जाते हैं, ये बढ़िया आपके लिए काम करते हैं, ये 60 नंबर हो गए। अगर आप बात कर रहे हैं जूनियर में और इसका चॉइस क्या रहेगी, यहाँ कंपलसरी नहीं लिखा तो दूसरी में आ जाता है SST। जो लोग हमारे सामाजिक विज्ञान के बैकग्राउंड से रहते हैं वो सामाजिक विज्ञान यहाँ पर हो जाता है उनका SST, और वरना तो क्या होगा मैथ एनवायरमेंटल साइंस मिला करके स्टडीज़ मिला करके उनका 60 नंबर का हो गया। सर यहाँ पे देखिए ज़रा, आप टोटल देख पा रहे हैं 120 क्वेश्चन है MCQ, और सॉरी माफ़ कीजिए 150 क्वेश्चन है और 150 ही मार्क्स हैं और 150 ही मिनट मिलेंगे आपको। बहुत बढ़िया इन्होंने सिस्टम बना रखा है भाई, 150 मिनट का कुछ खेला है यहाँ पे। 150 मिनट आपको मिलेंगे, 150 MCQ है, 150 क्वेश्चन है, यानी कि जितने क्वेश्चन है उतना ही मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिल रहा है। आगे चलते हैं भाई और इसकी जानकारी ले लेते हैं जरा। आगे चलकर हम दो पेपर यहाँ पर हैं, एक पेपर आप देंगे और अगर आप, मैंने पहले ही बोल दिया जनरल के हैं तो 1000 रुपया है, और दोनों देते हैं तो 1200 रुपये, ज़्यादातर लोग दो ही देते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया ऑप्ट टू लैंग्वेज इन विच यू विश टू अपियर फॉर CTET। भाई ये देख लीजिए आप, CTET जो है पूरा भारत के लिए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने दे रखी है लैंग्वेज हमारे पास कि आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, कितनी, कोई भी दो लैंग्वेज चूज़ कीजिए। जो उत्तर प्रदेश या आसपास के जो हमारे नॉर्दर्न रीजन के साथी हैं वो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा फ्लुएंट होते हैं तो वो उठाते हैं हिंदी और इंग्लिश को। मैंने आपसे फिर कहना है कि हिंदी को आप पहली भाषा चुनें और इंग्लिश को आप कैसी भाषा चुनें, दूसरी भाषा चुनें, तो बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है आपके लिए। इसके साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये बात हो चुकी और हमारे पास जानकारी है। ये वो पेपर हमारा किसका था, पेपर वन की जानकारी दी है, पेपर टू में आपके पास हो गया चाइल्ड पेडागोजी हो गई है। ये देखिए चॉइस भी दे रखी है यहाँ पे चाइल्ड पेडागोजी हो गई है, लैंग्वेज 1-2 हो गया, उसके बाद मैथमेटिक्स साइंस आएगा या फिर सोशल स्टडीज़ आएगा आपके पास, ठीक है जी। तो पेपर टू में ये चेंज है पीछे, यहाँ पेपर वन में कोई चेंज नहीं होगा, ये पेपर वन में चेंज नहीं होगा, मैं इसको यहाँ पे रब कर लेता हूँ। यहाँ पेपर वन में हमारे पास कोई चेंज नहीं आ जाएगा, ये पेपर टू में हमारे पास चेंज आएगा, वो भी किसका, सोशल स्टडीज़ का और मैथमेटिक्स वाला, मैथमेटिक्स और साइंस वाला। तो पेपर वन में साथियों ये मैं रोक कर दिखाता हूँ, ये बात पूरी ऐसी रहेगी एज इट इज़ रहेगी, और पेपर टू की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बात यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ चॉइस है आपके पास, जो मैथ साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए ये होगा 60 नंबर, और 60 नंबर हो गए सोशल स्टडीज़ वालों के लिए, तो यहाँ पे और लगा हुआ है आप जानते हैं। फिर से 150 क्वेश्चन दोनों, पेपर वन का भी 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर होंगे, 150 मिनट होंगे। पेपर टू जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर और 150 ही मिनट मिलेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में आप तक बात पहुँचाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी साथियों। आगे हम चल रहे हैं, इसके अलावा सेकंड वाले पेपर किसके लिए होता है भाई, सेकंड वाला पेपर मैं साथियों के लिए पूरी जानकारी दे दूं, सेकंड वाला जो हमारा पेपर है वो जूनियर के लिए हो जाएगा, ठीक है जी, और पहला वाला जो हो गया वो प्राइमरी लेवल के लिए हो गया। इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ये कुछ भाषाओं के बारे में मैंने आपको बताया, बाकी यहाँ पर आप वैलिडिटी की बात करते हैं, वैलिडिटी देख लीजिए। सर एक बार CTET दे दूं अगर मैं सही से तो क्या हो जाएगा, वैलिडिटी पीरियड ऑफ CTET सर्टिफिकेट, कह रहे हैं द वैलिडिटी पीरियड ऑफ CTET क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जो है लाइफ टाइम। सर मैं आपको सबूत के साथ लेकर के आया हूँ बातें, लाइफ टाइम तक हो गया आपका एक बार आप दे देंगे, लेकिन ध्यान रखिए आप किस समय दे रहे हैं ये बहुत निर्धारित करता है। मान लीजिए अभी आपने किसी TTC में एडमिशन लिया है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स है ना, BEd हो सकता है, DLed वगैरह कुछ भी हो सकता है आपका, वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने अभी एडमिशन लिया, आप CTET देख कर लो मेरा तो लाइफ टाइम हो गया मैं क्यों दूँ, अब ऐसा नहीं होता है, आपको देना होगा फिर लास्ट सेमेस्टर में अगर आप दे रहे हैं वो वैलिड है, दे सकते हो, अभी आपने एडमिशन लिया है आप अभी दे सकते हो एग्जाम, अपना एग्जाम दो, मस्त प्रैक्टिस करो, अपने नंबर देखो, खुश हो जाओ, घर रख लो सर्टिफिकेट, लगेगा नहीं वो कहीं,
लगेगा कौन सा? लास्ट सेमेस्टर वाला लगेगा, जब आप अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में बीएड में बीटीसी में लास्ट में जब सेमेस्टर में हैं, तब अगर आपने सीटेट दे रखा है, क्वालिफाई हो रखे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? वो वैलिड हो जाएगा। सर क्वालिफाई कितने पे हो जाता है? तो क्वालिफाई देखिए रिजर्व कैटेगरी के लिए 82 हो जाएगा और हमारी जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 90+ अबव हो जाता है। भैया डीएसएसबी का खास ख्याल रखिए, डीएसएसबी जो है वो आपको करीब करीब 100 नंबर आप टारगेट करेंगे, 100 नंबर तब बात बनेगी डीएसएसबी में हमारी, ठीक है जी। साथियों इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और क्या जानकारी हमको मिल सकती है? कह रहे हैं यहां पर एग्जामिनेशन सेंटर से आपको 4 सिटी दे रखी होंगी, आपको 4 सिटी में चूज करना है। 4 सिटी में आप चूज करिए कि आपको कौन सी वाली प्रेफर करनी है, तो 1, 2, 3 करके कर लीजिए, वो अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके दे देते हैं। ज्यादातर ऐसा पाया गया जो पहली आप चूज करेंगे वही आपको मिल जाएगी, पहला जो चयन होगा आपका वही आपको सिटी मिल जाती है। आगे चलेंगे, ऑफलाइन मोड में पेपर है, और क्या जानकारी हम यहाँ ले सकते हैं? एडमिट कार्ड जो है वो आप डाउनलोड करेंगे सीधे सीधे से। कैंडिडेट सेल रिपोर्ट यहाँ देखिए जरा, कैंडिडेट को कब पहुंचना है? 7:30 बजे, उसमें भी लिखा होगा, एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा, फॉर पेपर 2 एंड 12 PM फॉर पेपर, पेपर 1 के लिए 120 मिनट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। दोनों पेपर में आपको लगभग 2 घंटा पहले पहुंचना कंपलसरी रहेगा। कई बार होता है साथियों को सेंटर नहीं मिल पाता है, स्कूल कहीं ऐसी जगह होता है मिल नहीं पाता, ऐसे में अगर आपका छूट जाए तो मिस हैपनिंग के लिए उन्होंने कह दिया कि आप जो है समय से पहुंच जाइए, यानी आप 7:30 बजे पहुंचे। मैं यहाँ लिखता हूँ, जरा ध्यान दें आप लोग, 7:30 बजे पहुंच जाइए। हालांकि आपकी जो परीक्षा है वो शुरू होगी 9:30 बजे और ये कब तक चलेगी? 12 बजे तक चलेगी आपकी, तो ये 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा हो गई है, 2.5 आवर। और उसके बाद अगर आप पेपर 1 के लिए कह रहे हैं तो शैल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स हु रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 9:30 के बाद अगर आप पहुंचे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा, यानी पेपर शुरू होने के बाद कोई एंट्री नहीं है सर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको बात दोबारा से इन्होंने रिवाइज करा दी है। कह रहे हैं यहाँ पे कि जनरल के लिए 1000 रुपया है एक पेपर अगर आप डालते हैं, चाहे पहला डालिए चाहे दूसरा डालिए, चाहे जूनियर वाला डालिए और चाहे प्राइमरी वाला डालिए, दोनों अगर डालते हैं तो 1200 रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। यहाँ पर एससी एसटी या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है, हमारे चैलेंज पर्सन है, वो अपने सर्टिफिकेट के साथ, वहाँ सर्टिफिकेट लगेगा फॉर्म भरते टाइम, 500 रुपये एक पेपर के लिए और 600 रुपया दोनों पेपर के लिए उनका हो जाने वाला है। आगे देखिए जरा इससे रिलेटेड और क्या जानकारी हो सकती है हमारे पास, ये हमारे काम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बुलेटिन रही थी, बाकी ये सिलेबस की चर्चा हो रखी है। आप एनपीसी गुरुकुल पे बने रहिए, आपको पूरी तरीके से क्लासेस देने की हमारी चेष्टा और मंशा रहेगी, कोशिश रहेगी। बाकी आपको सेट लगवा दिए जाएंगे, लगातार सेट लगवाए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग करके, हर एक विषय के, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पक्का हो जाए। आप चैनल पे बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। सर एक बात मैं और कहूंगा बीच में, क्योंकि वो जरूरी है इसलिए कहूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे पास दे रखा है, टेलीग्राम चैनल फौरन से पहले ज्वाइन करें। बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारा फ्री कंटेंट मटेरियल पढ़ने के लिए हमारी एक्सपर्ट्स की टीम, टेक्निकल टीम डेली वहां पर कुछ ना कुछ अपडेट लेकर के आपके लिए आती रहती है, तो आप वो कंटेंट आपको मिलता रहेगा और आप उससे क्या करते रहेंगे, अपना रिविजन करते रहेंगे। ये सीडीपी का हमारा सिलेबस है, आप किसी भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जब यहाँ पर क्लासेस होंगी तो आपको अंदाजा लगेगा, लैंग्वेज के बारे में दे रखा है उन्होंने, लैंग्वेज 1 का क्या हाल रहेगा यहाँ पर और लैंग्वेज 2 का रहेगा। बाकी एक बात जो मैं आपके साथ यहाँ करना चाहूँगा, रोक करके ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात, वीडियो में आप यहाँ तक आ गए तो आप बाकी जानने के इच्छुक हैं, ध्यान दें यहाँ पर सीडीपी का बहुत बड़ा रोल है। साथियों लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट आ रहा है उनको करने से काम होगा, नहीं, सीडीपी का बहुत बड़ा रोल है। सीडीपी आपको दिखती कितने नंबर की है? 30 नंबर की है ना, पहले में मैंने बताया भी 30 नंबर की आएगी, पर सीडीपी असल में होती कितने नंबर की है इसमें? 90 नंबर की है। मास्टर जी क्या बात कह रहे हो तुम? हाँ बेटा जी यही है सर, यही बात है, आप ध्यान से तो सुने, 30 नंबर की तो डायरेक्ट आ रही है और बाकी जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे 2 लैंग्वेज हो गई और बाकी 2 सब्जेक्ट हो गए, या तो मैथ साइंस या सोशल स्टडी, 60 नंबर में जाएगी, तो वहां पर जैसे 30 नंबर का एक सब्जेक्ट है तो 15 तो डायरेक्ट प्योर हो गया, बेसिक उसके कंसेप्ट आ गए, और 15 नंबर में आपको क्या दिया जाएगा? सीडीपी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट की सीडीपी होगी, यानी आपकी विषय आधारित जो है चाइल्ड पेडागोजी वहां पर मिलेगी आपको। तो इस हिसाब से अगर आप 30 में से 15-15 चुराएं, 4 सेक्शन में से अगर आप चुराते हैं 15-15 नंबर, तो ये कितने हो गए साथियों? ये कितने हो गए? 15-14 60 हो गया, ये 60 नंबर ये हो गए और 30 नंबर की तो प्योर आ ही रही है। मतलब सीडीपी जिसकी कमांड आ गई सीडीपी पे, उसके लिए सीटेट फिर धुआं धुआं हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर रेगुलर क्लासेस आपको देने की कोशिश होगी, चैनल पे बने रहें इसलिए आप। चलिए खैर मैं आगे चलता हूँ, ये बात आपको आंकड़ा समझ में आ गया होगा, 150 नंबर में से 150 नंबर में से आपको लाने कितने, अगर आप रिजर्व में हैं 82
और अगर जनरल में है तो 90, और 90 नंबर की तो सहरी आ रही सीडीपी, मतलब सीडीपी का अगर कमांड मेरी आ गई तो मतलब सीटेट तो फिर खत्म हो गया। ठीक है जी, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, इससे आपका नौकरी का कोई ताल्लुक नहीं है, ये हम पहले कह देते हैं। ठीक है जी, चलिए, लेकिन ज़रूरी है, बहुत सारी जगह सीटेट मांगा जाता है आपका ना। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी कुछ ऐसे हैं, अब तो एलीट क्लास के जो इंस्टीट्यूशन है वो सीटेट पास मांगने लगे हैं, या आप बीएड करे हुए हो, सीटेट आपके पास हो, तब वो आपको रखते हैं प्राइवेट पे। फिलहाल ये आपके लिए एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक आ गए, फूड शेल्टर वाटर ट्रैवल वगैरह, सिलेबस पे एक दिन अलग से बात कर लेंगे हम लोग, है ना। बाकी आप लोग अभी जानकारी देख लीजिए जो मैंने आपको देनी थी, मोटी मोटी जानकारी आपको आ गई है। मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ साथियों, यहाँ पर और कुछ हमारे पास बचता नहीं है एज सच, यहाँ पर हम आपको समराइज कर देता हूँ। यहाँ पर आइए जरा, ये बात मैंने खोला अपना नोटपैड, और नोटपैड पर आपके लिए मैं सारी चीज़ें समराइज कर देता हूँ। ठीक है जी, देख लें जरा हमने क्या क्या करना है। तो समरी हमारी पास ये निकल करके आ गई है, एक मुझे एक सेकंड दें जरा, ये हमारा पीडीएफ जो है कुछ और है, ये यहाँ आ जाइए। सबसे पहली बात तो सर क्या हो गया, एग्जाम फार्म कब से भरने हैं, तो एग्जाम फार्म आपको भरने हैं 3 नवंबर से लेकर के कब तक भरने होंगे, ये 23 नवंबर तक भरने होंगे, 3 नवंबर से 23 नवंबर तक आपके फार्म भरे जाएंगे सर जी। और बेटा जी करेक्शन विंडो, सर करेक्शन विंडो तो खुलेगी ना, अरे तो आप पहले ही संभल के भरो ना, करेक्शन विंडो की ज़रूरत क्यों है, आप अपना एग्जाम सीख से भरिएगा, क्योंकि उनने साफ लिखा नोटिफिकेशन में, बोले करेक्शन आप करेंगे बाद में, हुआ नहीं हुआ हमारी कोई गारंटी नहीं, आपका रिस्क है, तो आप पहले ही बड़ा सावधानी के साथ फार्म भरिए, अभी तो बहुत समय हमारे पास। करेक्शन विंडो जो है वो हमारी खुलने वाली है 8, हमारी जो करेक्शन विंडो खुलेगी वो खुलेगी 2 दिसंबर तक, यहाँ 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक हमारी करेक्शन विंडो आ जाएगी, इसके बाद करेक्शन विंडो उन्होंने खोल देनी है। ठीक जी, आगे चलते हैं हम लोग, तीसरी बात हमें करनी है, एप्लीकेशन आपको एक ही बार भरना है ऑनलाइन, एक से ज़्यादा बार आप एप्लीकेशन अप्लाई ना करें, नहीं तो अगर आप ऐसा करते पाए जाएंगे तो पूरी तरीके से आपको फिर बंद कर दिया जाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन एक ही बार अप्लाई करें, 3 बातें। चौथी बात सुनिए, आपके लिए लेकर के आए हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो हमने आपसे कहा था, लैंग्वेज का झोल फिर से समझ लें, आपसे मेरा विनम्र निवेदन एवं अनुरोध है, आप माने तो बहुत अच्छा, ना माने और भी अच्छा, कॉम्पिटिशन कम होगा। पहली लैंग्वेज जो है उसमें आप हिंदी चूज़ करिए अगर आप उत्तर भारत के रहने वाले हैं, क्योंकि हिंदी लगभग जो है हमें आती है इधर, और बाकी इंग्लिश आपकी दूसरी चॉइस रहेगी, इसमें आप संस्कृत वगैरह रख लीजिए अपने मनमर्जी से। कोई भी CBSE बोर्ड के साथी वीडियो देख रहे हैं तो वो ये मान के ना बैठ जाएं कि भाई मेरी इंग्लिश तो बड़ी स्ट्रांग है मैं तो ले लूँगा, नहीं हो पाता है सर, बाकी आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। आगे चलते हैं, वैलिडिटी की अगर हम बात करते हैं, कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं रिवीजन में, कह रहे हैं वैलिडिटी क्या होगी, तो वो है लाइफ टाइम। सर एक बार आप अगर देख लेते हैं, लास्ट सेमेस्टर अगर आपका चल रहा है TTC का, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, फिर वो लाइफ टाइम हो जाएगा। ये कुछ बातें हमने आपके लिए 5 बातें ली, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलिए, अगली बात जो हमें लेनी है वो हो जाएगी सर अपियरिंग की। तो अपियरिंग पे मैंने आपसे कहा, अगर आपने कहीं पे सिर्फ एनरोल भी करा रखा है, आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, चाहे तो वो BEd हो हमारा, और चाहे क्या हो गया हो DLED हो, जिसको आजकल BTC को DLED हो गया है ना, तो आपने ये सिर्फ एनरोल अगर कर लिया है आप सीटेट दे सकते हैं, लेकिन मान्य कब होगा, जब आप 4th सेमेस्टर में होंगे, लास्ट सेमेस्टर में जब आप चल रहे होंगे, या जिनका ईयरली चल रहा है साथियों का हमारे, वो लास्ट में होंगे, उनका सिर्फ वैलिड होगा यहाँ पर, बाकी लोग दे सकते हैं, देने के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई रोक नहीं है। 7वां हमारा जो बिंदु है वो हम बात कर रहे हैं सेंटर की, तो सेंटर चॉइस हमारी, हमने आपके लिए ना पहले लिख करके एकदम अरेंज कर लिए थे कि सारा समरी हो जाएगा। सेंटर में आपको 4 चॉइस मिलेंगी, 4 सिटी आपको भरनी है, जिसमें से पहली वाली मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, ऐसी मिलेगी पहली वाली, ऐसी कोई कसम हम खाएंगे नहीं, कोई वादा हम नहीं करेंगे भैया, कल को पकड़ ले हमें। इधर को देखिए, नंबर 8 की बात करते हैं हम, हमारे पास आ जाएगा कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मास साहब मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो लास्ट टाइम जब जुलाई में हुआ तब भी क्या हुआ, ऑफलाइन हुआ साथियों, और इस बार भी कैसा होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। तो ऑफलाइन में क्योंकि एक दिन में परीक्षा तभी हो सकती है, ऑनलाइन में नहीं हो सकती है। ऑफलाइन से एक बात हमें बड़ी अच्छी याद आ गई, टेलीग्राम चैनल अगर आप डाउनलोड वो कर लेंगे ना, ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग OMR सीट जो है बिल्कुल हूबहू OMR सीट लॉन्च करेंगे, तो आप उसको प्रिंट निकाल करके घर पे बैठ के ना, जब पेपर प्रैक्टिस करो तो OMR के गोले भरो, देखो कि 2.5 घंटे में कर पा रहे हैं क्या, सॉल्व करने के बाद गोले भर रहे हैं, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना मजा आने वाला है, आप समझते हैं। युद्ध से पहले अपने हथियारों को अपने औजारों को धार दे लें, अपना प्रैक्टिस जो अच्छा कर लें, तो OMR भरने की भी प्रैक्टिस करें। आगे चल रहे हैं हम लोग,
कंफर्मेशन पेज से रिलेटेड बहुत अच्छी बात मैंने कहनी है आपसे, ये मेरे से स्किप हो रहा था इसीलिए मैंने लिख लिया। हम देखते हैं बहुत सारे साथी हमारे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, कंफर्मेशन पेज लाए, घर रख दिया, उसके बाद बिल्ली कुत्ता चूहा खा गए उसे, या गाय ने अपने जो है सानी वानी में पड़ गया, हमारे गांव के जो साथी हैं समझते हैं सानी किसे कहते हैं, उसमें जो है गाय ने खा लिया, कंफर्मेशन पेज ले, पेट में पहुंच गया सीटेट। ऐसे नहीं करना, कंफर्मेशन पेज को आप संभाल करके रखिएगा अंत तक, बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पर, ठीक है जी, क्योंकि इसी में आपकी सब चीज़ें रहेंगी। फॉर्म भरते समय आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ध्यान दें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही वाला लगाएं जो आप यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल नंबर में फॉर्म भरने के बाद 4-6 महीने रिचार्ज ही नहीं हो रहा, कोई फॉर्म आया कोई SMS वगैरह आया पता ही नहीं चला, कुछ खबर ही नहीं पड़ रही है। तो वो वाला मोबाइल नंबर आप दें, चाहे अपने माता पिता का दे सकते हैं अगर आप महिला हैं, या आप जो है छात्रा हैं तो आप अपने माता पिता का दे सकते हैं, लेकिन वही दें जो चालू रहता हो मोबाइल नंबर, ठीक है जी। इसके साथ और क्या जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, वो है हमारा पेपर जो है बायलिंगुअल आएगा, हिंदी इंग्लिश में आएगा, है ना, दोनों ही भाषा में आएगा। हालांकि जो लैंग्वेज होती है वो तो वो लैंग्वेज ही आएगी भाई, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं देंगे वो, ठीक है जी। बाकी पेपर आपका कैसा है, बायलिंगुअल, दोनों भाषाओं में आएगा। बायलिंगुअल का मतलब हो गया दोनों भाषाओं में पेपर जो है हमारा आएगा, तो जो बात इंग्लिश में समझना है हिंदी में पढ़ो, हिंदी में ना इंग्लिश में पढ़ लो, फिलहाल नंबर आने चाहिए। बाकी करेक्शन की जो प्रॉब्लम रहेगी वो हमने आपसे कह दिया, करेक्शन में आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बस एक चीज़ चेंज नहीं कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते हैं, सिटी। सिटी भर गई सो भर गई, क्योंकि भैया बहुत कयास हो जाता होगा, थोड़ा उनका भी सोचिए, देखिए इतना लाख बच्चों का अरेंजमेंट करना है, सब प्रोग्रामिंग बिठानी है, तो सिटी चेंज नहीं हो सकती, बाकी करेक्शन हो सकता है। हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप सही से अपना पेपर जो है अपना फॉर्म जो है बड़ा ध्यान से समझ के बूझ करके भरिएगा, क्योंकि गलती अगर एक बार हो गई तो करेक्शन करने में फिर उन्होंने कह दिया ना आपके हाथ में, हम कुछ नहीं जानते। चलिए अगली बात करिए जरा, वो है सिलेबस। सिलेबस को लेकर के बात है, उसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो में लेकर के आ जाएंगे, NPC गुरुकुल की टीम आपके लिए सिलेबस पे सेपरेट वीडियो लेकर के आएगी, जहाँ पे आप पूरी तरीके से स्ट्रेटजी बनाएंगे कितने दिन में कितना कर सकते हैं हम। और एज की अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे साथियों के मन में सवाल है एज से रिलेटेड, तो अगर आप यहाँ 99 साल के भी हैं तब भी आप क्या दे सकते हैं, सीटेट दे सकते हैं, वो बात अलग है आप अध्यापक बने या ना बने, आप 99 वर्ष के भी हैं तो सीटेट आप दे सकते हैं, एज की कोई फाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारे कुछ बिंदु हो गए हैं, बाकी और मैं देखता हूँ यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब बात कर लो थोड़ी सी सिलेबस में, सिलेबस की तो डिटेल में बात हो ही जाएगी, शॉर्ट में इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर हमारे पास 2 पेपर हैं, एक है पेपर नंबर 1 जो हमारा किस चीज़ के लिए है साथियों, वो हमारा है प्राइमरी के लिए, तो प्राइमरी के लिए जो हमारा पेपर है उसको पेपर नंबर 1 कहा गया, और जो हमारा पेपर 2 है वो किसके लिए है भैया, जूनियर के लिए हैं। तो प्राइमरी के लिए मास्टर कहाँ से तैयारी करूँ, सर जी आप पहले से लेकर 5वीं कक्षा तक की NCERT अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो आपका कंटेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो प्रश्न आने वाले हैं, बाकी जो बाल विकास है हमारा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी जो है वो आप जरूर पकड़ के चलिएगा। आप चाहते हैं कि हम आपकी तैयारी कराएं, आप वीडियो में लिख के कमेंट में लिख करके जाइए कि सर वी वॉन्ट वीडियो फॉर CDP, वी वॉन्ट वीडियो फॉर मैथमेटिक्स, वी वॉन्ट वीडियो फॉर SST, आप लिखिए, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग NPC गुरुकुल की टीम आपके लिए क्लास अरेंज कर देगी, ठीक है जी। तो बाकी अब जूनियर पे चले आइए, जूनियर के लिए आपको NCERT, ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो नोटिफिकेशन में लिखी है, बोले आप जूनियर देना चाहते हैं तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8वीं तक की क्या पढ़ें, NCERT पढ़ लें, तो कंसेप्ट आपका जो है बिल्कुल एकदम पुख्ता मजबूत मज़ेदार हो जाएगा। ये कुछ जानकारी थी CTET को लेकर के साथियों, इसी के साथ ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हम आपसे फिर अनुरोध करते हैं आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें अगर आप फ्री कंटेंट चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे भाई CTET बहुत बड़ा पेपर नहीं है, एकदम हलवा कर देंगे, समझ रहे हैं आप, आज डेट बताइए हमें क्या है, लो आज पहले बात ही हो जाए पहले खुल के, यहाँ देखो 21 जनवरी को पेपर है ठीक, और आज डेट बताओ जल्दी से क्या है, आज डेट हमारी क्या हो गई, 4 तारीख हो गई कि नहीं हो गई, 4 नवंबर हो गया आज हमारा, ले अगर आप यहाँ से 20 नवंबर से माने, दिवाली उवाली सब गुजार के आप सब लोग भी देख रहे हैं, 20 नवंबर से लेकर के अगर आप 20 जनवरी देखें तो कितना महीना हो गया, बोलो भाई 20 नवंबर 20 दिसंबर 20 दिसंबर 20 जनवरी, तो हमारे पास हो गए 60 दिन, 60 दिन हो गए कि नहीं, 60 दिन की स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर के आएंगे, पर आप कमेंट में लिख करके बताइए सर वी वॉन्ट वीडियो फॉर दिस, और जितने साथी हमारे इकट्ठे हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मैंने इसमें छोटी से छोटी बात को पकड़ने की कोशिश की है, जो किसी के मन में शंका सुबह हो सकती है उन सब का आंसर यहाँ लिखा हुआ है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे, नमस्कार।